दोस्तों नमस्कार, क्रिकेट इंडिया की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। साल 2024 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी आईसीसी मैच टी20 वर्ल्ड कप 2024 करंटली काफी रोमांचक मोड पर आ चुका है, जहां पर लगातार हमें काफी सारे बड़े बड़े इंटरेस्टिंग मैच हमें टी20 वर्ल्ड कप में देखने को मिल रहे हैं और सभी को बेसब्री से इंतजार है टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 फॉर्मेट का, जहां पर सुपर 8 में पार्टिसिपेट करने वाली लगभग 8 टीम के नाम यहां पर फाइनलाइज हो चुके हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई किन किन टीमों ने सुपर 8 में क्वालिफाई कर लिया है और किस तरह का शेड्यूल यहां पर आपके टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 फॉर्मेट का रहने वाला है। शेड्यूल में अचानक से क्यों यहां पर बड़े बदलाव कर दिए हैं, ये सभी डिटेल्स यानी भाई सुपर 8 फॉर्मेट की A to Z हर इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ा सा सुपर 8 फॉर्मेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो भी आपको पता है कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 अब की बार बिल्कुल नए फॉर्मेट के साथ हो रहा है, जहां पर डायरेक्ट 20 टीमों ने इस शानदार टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था। 20 टीमों को चार अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया था, जहां पर हर ग्रुप से टॉप दो दो टीमें हमें सुपर 8 में क्वालिफाई करती हुई नजर आने वाली थी। और भाई ऐसे में यहां पर सुपर 8 फॉर्मेट कुछ ऐसा था कि भाई जो 8 टीमें यहां पर ग्रुप स्टेज से सुपर 8 में निकल कर आएंगी, उन टीमों को भी यहां पर दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा। दोनों ग्रुपों में चार चार टीमें हमें देखने को मिलेंगी। और पहले जो नियम था उसके मुताबिक तो ऐसा बताया गया था कि भाई ग्रुप ए में हमें A1 B2 C1 और D2 टीम देखने को मिलने वाली थी और ग्रुप बी में हमें A2 B1 C2 D1 टीम देखने को मिलने वाली थी। लेकिन अचानक से टी20 वर्ल्ड कप को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस ग्रुप फॉर्मेट में थोड़े से चेंजेस यहां पर कर दिए गए, जहां पर ग्रुप ए में हमें A1 B1 C1 और D2 टीम देखने को मिली, वही ग्रुप बी में हमें A2 B2 C2 और D1 टीम यहां पर देखने को मिली है। अब हम बात कर लेते हैं टीम क्वालिफिकेशन के बारे में कि भाई किस-किस ग्रुप से कौन-कौन सी टीमों ने यहां पर सुपर 8 में क्वालिफाई किया। तो सबसे पहले ग्रुप ए के बारे में डिस्कशन करते, तो ग्रुप ए में सबसे पहले टॉप पर भारतीय टीम ने क्वालिफाई कर लिया है। सेकंड नंबर पर आपकी पाकिस्तान या फिर यूएस, इन दोनों में से कोई एक टीम यहां पर क्वालिफाई करने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप बी के बारे में, तो ग्रुप बी में यहां पर एक छोर पर ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई कर लिया है। सेकंड टीम यहां पर स्कॉटलैंड या फिर इंग्लैंड कोई एक क्वालिफाई करने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप सी के बारे में, तो ग्रुप सी से दोनों टीमें हमें मिल चुकी है। ग्रुप सी से यहां पर अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज की टीम ने क्वालिफाई कर लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप डी के बारे में, तो ग्रुप डी से भी हमें दोनों टीमें मिल चुकी है, जहां पर आपके साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 में क्वालिफाई कर लिया है। चलिए हम फटाफट सुपर 8 के पूरे शेड्यूल के ऊपर हम नजर डालते हैं। तो सुपर 8 का पहला मैच हमें 19 जून को साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान या फिर यूनाइटेड स्टेट्स, इन दोनों में से किसी एक टीम के साथ एंटीगुआ के स्टेडियम में देखने को मिलेगा। उसके बाद 20 जून को दो मैच होंगे, जहां पर पहला मैच B2 वर्सेस वेस्टइंडीज यानी भाई स्कॉटलैंड इंग्लैंड वर्सेस वेस्टइंडीज मैच हमें सेंट लुसिया के स्टेडियम में देखने को मिलेगा। दूसरा मैच हमें भारत और अफगानिस्तान के बीच बारबाडोस के स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। उसके बाद 21 जून को भी दो मैच होंगे, जहां पर पहला मैच हमें ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच एंटीगुआ के स्टेडियम में देखने को मिलेगा और दूसरा मैच स्कॉटलैंड इंग्लैंड वर्सेज साउथ अफ्रीका देखने को मिलेगा, ये मैच भी हमें सेंट लुसिया के स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं 22 जून के शेड्यूल के बारे में, तो 22 जून को पहला मैच आपकी यहां पर B2 वर्सेज वेस्टइंडीज यानी भाई आपकी पाकिस्तान या फिर यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेज वेस्टइंडीज मैच हमें बारबाडोस के स्टेडियम में देखने को मिलेगा और दूसरा मैच उस दिन भारत और बांग्लादेश के बीच हमें एंटीगुआ के स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं 23 जून के शेड्यूल के बारे में, 23 जून को पहला मैच हमें ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीम के बीच सेंट विंसेंट के स्टेडियम में देखने को मिलेगा और उस दिन का दूसरा मैच हमें पाकिस्तान या फिर यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेज इंग्लैंड या फिर स्कॉटलैंड, इन दोनों ही टीमों के बीच बारबाडोस के स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं 24 जून के शेड्यूल के बारे में, तो 24 जून को हमें पहला मैच वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच एंटीगुआ के स्टेडियम में देखने को मिलेगा और उसी दिन दूसरा मैच हमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेंट लुसिया के स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। उसके बाद 25 जून को हमें एक ही मैच देखने को मिलेगा, जहां पर अफगानिस्तान के सामने होगी बांग्लादेश की टीम, सेंट विंसेंट के स्टेडियम में हमें यह जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा। उसके बाद 27 जून को हमें इस ग्रैंड टूर्नामेंट के दोनों सेमीफाइनल मैचेस देखने
देखने को मिलने वाली है और एट द एंड 29 जून को हमें इस शानदार टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले फाइनल मैच देखने को मिलने वाला है। तो भाई कुछ ऐसा शेड्यूल यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 का हमें देखने को, लेकिन आपको क्या लगता है कौन सी टीम बनेगी T20 वर्ल्ड कप 2024 की चैंपियन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल किस वीडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कर इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।